नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यू सी। बंगाल में कोरोना छुट्टी पर है और जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना डबल शिफ्ट में काम कर रहा है। बीजेपी और टीएमसी की रैलियों में आ रही भीड़ से कोरोना डरा हुआ है, सोच रहा है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे हो जाऊं। चुनावी राज्यों में घुसने से कोरोना की पतलून ढीली हो जाती है। सही बता रहे हैं भैया, नहीं मान रहे हो तो देख लो, ये फूल वाली पार्टी की रैली है और ये फूल पत्ती वाली पार्टी की रैली है। दोनों की रैलियों में रेलम पेल भीड़ आ रही है। देश में रोज 1 लाख मरीज मिल रहे हैं, 500 के लगभग मर भी रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सरकार कहती है कि कोरोना बहुत खतरनाक है और वही सरकार जो कहती है कि 2 गज दूरी मास्क है बहुत जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये जब मंच पर खड़े होते हैं, नीचे भूखी नंगी पब्लिक बिना मास्क के एक दूसरे में घुसकर खड़ी हो जाती है तो बड़े गर्व से फोटो डालकर बताते हैं कि देखो भैया कितनी भीड़ आई हमारी रैली में। क्या इन लोगों के लिए कोरोना की कोई नियम कानून नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े कोरोना सम्मेलन कर रहे हैं, इनको नहीं लगता कि लोगों को कोरोना हो सकता है, कोरोना फैल सकता है? मन की बात और टीवी पर तो ऐसी जानकारी दी जाती है जैसे बड़े से बड़ा वैद्य फेल हो जाए। एक तरफ आम जनता को स्कूटर पर हेलमेट के भीतर मास्क लगवाया जा रहा है, बंद कार के भीतर मास्क ना लगाने पर चालान काट दिया जा रहा है, यहां तक कि सड़क पर घूमते आदमी को पकड़कर चालान काट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ चुनावी रैली के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। क्या आम आदमी के लिए और नेताओं के लिए कोरोना प्रोटोकॉल अलग अलग है? बताइए, ये भारत में ही हो सकता है कि खुद देश चलाने वाले, कानून बनाने वाले रैलियों में लोगों को ऐसे बुला रहे हैं जैसे रैली में कोरोना की बूटी बट रही हो। नेताओं ने हर चीज की दुकान बंद करा दी है लेकिन अपनी दुकान का शटर कभी डाउन होने नहीं दिया। आपको लखनऊ की ही एक बात बता देती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले एक पुल के उद्घाटन में लोगों की भीड़ ऐसे बुलाई गई जैसे बिना भीड़ का मुंह देके उद्घाटन वाली कैंची फीते पर चलने से मना कर देगी। और उसी दिन लखनऊ का फन मॉल ये कहकर सील कर दिया गया कि तुम ससुर बहुत कोरोना फैला रहे हो। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। बताओ, पुल का उद्घाटन भी अगर ऑनलाइन कर देते तो कुछ घट जाता? लेकिन भीड़ बुलाकर ये बताना भी जरूरी था कि भैया हमने पुल बनवाया है, हमारी शक्ल जो है वो ध्यान से पहचान लीजिए, हम ही हैं पुल पुरोधा। इस वीडियो में इतना ही। नेताओं के चक्कर में कृपया ना पड़े, अपना ध्यान खुद रखें। हमारे देश में खुद नेताओं ने कोरोना का मजाक बना दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद।